दीपक फंकाजा और साफ़दाल डेवलपमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स डीबीसी कोटलेस रुफिजी मंच में चेयरमैन गुरुदना जमीन सेवामा चेयरमैन टीटीएडीसी सीएम पूर्णचंद्र जमातिया मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ऋषिकेतु देवर्मा सीनियर ईएमस रविंद्र बाबू यहाँ में हमारे एमएलए हैं सपना देवर्मा ईएम रुनिल देवर्मा एक्स एमएलए एंड सीडब्ल्यूसी मेंबर पतिप्रा मथार अधीश्वर देवर्मा जोनल चेयरमैन यहाँ में सब जोनल चेयरमैन ऑफिसर्स हमारे बुरे लीडर्स सिकला लीडर्स सबको मेरे तरफ से चिबाए एंड खुलूंगा द दागदू जोनल ऑफिस और सबसे पहले में यहाँ में मैंने देखा नहीं वो है यहाँ में कहीं कि नहीं नमिता देव वर्मा कहाँ है नमिता देव नमिता ने ये जमीन दिया है हमको पहला पहला ही हम भाई नमिता यहाँ में सब वीआईपी है लेकिन मेरे लिए आप वीआईपी है क्योंकि हाँ आपने दिया इसके लिए सब नमिता के लिए एक बड़ा हाथ दीजिए मैं आपको आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं जानता हूं बहुत गर्मी है और आप लोग यहां में कुछ सुनने आए हैं आई वॉन्ट टू अश्योर एंड टेल एवरीवन मैं आपको एक बात गारंटी देके बोल सकता हूं कि जो दिल्ली में बात हो रहा है जो दिल्ली में बात चल रहा है मैं अपने बारे नहीं सोच रहा हूं मैं अपने पार्टी के बारे नहीं सोच रहा हूं मैं आपके नेक्स्ट जनरेशन अपना तीपरा सा जाति के बारे सोचकर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेशर में रखकर बात करके आपको इस साल अगले साल अभी आज और कल मैं आपको आपका अधिकार देके ही रहूंगा मैंने नोटिस किया है कि बहुत लीडर्स लोग जीतने के बाद बदल जाते हैं लेकिन बुबागरा को एक बात मालूम है कि बुबागरा को यह पोस्ट किसी ने नहीं दिया ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया ना हमको यह पोस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया ये जो जगह बुबागरा का है वो मंत्री से भी बड़ा है एमपी से भी बड़ा है कोई भी पोस्ट से बड़ा है क्योंकि ये पोस्ट आपने दिल से हमको दिया है और मैं जिंदगी में सब चीज छोड़ सकता हूं लेकिन आपको और जो आपने प्यार मुझे दिया उसको मैं कभी भूल नहीं सकता हूं और मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं कभी कभी किसी को लगता है कि महाराज क्यों नहीं जोर से बोल रहा है महाराज क्यों नहीं आंदोलन कर रहा है मैं दिमाग से भी फाइट करता हूं और जब फाइट हाथ से भी करना पड़ेगा वो भी मैं करूंगा जमीन में आके लेकिन हमको अपना तीपरा सा लोगों को कुछ देना है आज से 6 दिन पहले मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर के साथ हुआ मैं अकेला नहीं था
मेरे साथ सब इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर पूरा नॉर्थ ईस्ट का मेरे साथ था, बोडोलैंड से था, कार्बी आंगलोंग से था, खासी गारो जयंतिया हिल से था, मिजोरम से था और हम लोग त्रिपुरा से थे। पूरा डेलीगेशन को हम लोग एक साथ जाकर हमने होम मिनिस्टर से बात की और 125th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट में आने का बात है हमने वो राइटिंग में हम अकेले नहीं सबने दिया है और आने वाले 8-10 दिन के बाद हम लोगों का फिर से मीटिंग है, हम लोग सब फिर से मिलेंगे और हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक बात क्लियरली बोल दिया है, अगर आपको इंडिया को बचाना है, अगर आपको नॉर्थ ईस्ट को बचाना है, अगर आपको आसाम मेघालय मिजोरम वहां का हानि भूसा हमारा इंडिजिनियस पीपलसा को रक्षा देना पड़ेगा, हमारे पॉकेट में पैसा आना चाहिए, हमारे बच्चे को अच्छा कल चाहिए, हमारा जमीन का अधिकार हमको चाहिए, हमको पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। ये बात हमने कह दिया और होम मिनिस्टर ने सिर्फ भूबाकला को नहीं सब 10 के 10 काउंसिल को प्रॉमिस किया है कि एक महीने के अंदर वो लोग डिसीजन लेकर हमको अपना अधिकार 125th अमेंडमेंट में देंगे। ये सिर्फ भूबाकला को नहीं सबको बुलाते हैं। इसके बाद क्योंकि यहां में मीडिया है और आजकल मैं नंबर वन दुश्मन हूं मीडिया का, आपका नहीं, आप तो अपना भुकुंबारा मीडिया है, लेकिन अगर तला का मीडिया में कभी भी न्यूज़पेपर उठाओ तो रोज एक ना एक गाली मिलता है सुनने के लिए, लेकिन जितना गाली ये लोग हमको देंगे, कभी कोई पूछता है वेयर इज ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, आज मैं आपको बोलना चाहता हूं मैंने अपना डिमांड छोड़ा नहीं है। आज कोई बोलता है वन लास्ट फाइट, जब तक मेरा त्रिपुरा सा एक रहेगा ये फाइट खत्म नहीं होगा, जब तक हम लोगों को अपना फाइनल सोल्यूशन नहीं मिलता है ये आवाज बंद नहीं होगा और जब तक भूबाकला को आपका प्यार और आपका सपोर्ट है, भूबाकला को आप चुप नहीं कर सकते हैं, मैं अपना त्रिपुरासा के लिए फाइट करते रहूंगा। आज यहां में एक ऑफिस बना है, कल हर जोन में ऐसा ही ऑफिस बनेगा, हर सब जोन में ऐसा ही एक ऑफिस बनेगा, इसमें नौकरी भी अपने ही लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि अगर हमको अपने आप को उठाना है तो आपको सुरक्षा भी मिलना होगा और वो सुरक्षा आपको नौकरी देगा, आपके बच्चे को अच्छा एजुकेशन देकर होगा। 15-20 आदमी को एमएलए एमपीसी बनाने से कुछ नहीं होगा, 15 लाख त्रिपुरासा को अधिकार देना पड़ेगा और वो फाइट इलेक्शन से नहीं होगा, वो फाइट हमारा एकता से होगा। यहां में माइनॉरिटीज है, मुझे जगदीश बाबू ने बोला आप लोग को लगता है कि महाराज त्रिपुरासा के बारे में बात करता है, लेकिन महाराजा ने कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ा, हम आपके बारे में भी प्यार करते हैं, आपके बारे में भी सोचते हैं और आपको चिंता करने का दरकार नहीं है। जब महाराजा का शासन था त्रिपुरा में, मुसलमान और बंगाली का, मुसलमान बंगाली और त्रिपुरासा का कभी भी दंगा नहीं हुआ और जब तक हम लोग हैं हम लोग कभी भी आपके ऊपर अत्याचार होने नहीं देंगे। ये देश ये राज्य आप कभी और कोई आपको माइनॉरिटी बनाकर आपको बाहर रख
रखने की कोशिश करेंगे, ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे। हम सेक्युलर हैं, हमारा पार्टी का एक विचार है कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी रहेगा, तिब्रासा भी रहेगा, मणिपुरी भी रहेगा, सब रहेंगे। किसी को छोड़कर आप राजनीति ये देश को नहीं चला सकते। तो आपको चिंता करने का दरकार नहीं। ये भी महाराजा ने शूजा के लिए मस्जिद भी बनाया था, यही महाराजा ने ये जमीन का रक्षा भी किया था और कभी भी भेदभाव नहीं किया। मैं भी वो करने वाला नहीं। यहां मैं चुका और मैं ठीक रहा सर। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली, जो लोग मुझे बोलते हैं प्रद्युत हैज बिकम क्वाइट, आई हैव नॉट बिकम क्वाइट, आई हैव बिकम मोर रेसोल्यूट। पीपल से भूभद्रा वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा है? आई एम चैलेंजिंग इट, आई एम चैलेंजिंग एवरीवन who challenges Tibrasa, but I'm doing it with my brains. अंग्रेज को डंडा मार के महात्मा गांधी ने वापस विदेश नहीं भेजा, दिमाग से फाइट करके हमको मुक्ति मिला। आज अगर Tibrasa अपना दिमाग से काम करे, एक Tibrasa ये इस्तेमाल करके अपना अधिकार लेकर आए, तो पूरा देश भी बोलेगा आई सल्यूट Tibrasa। इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग चुप बैठेंगे, इसका यह मतलब नहीं है कि हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। राइट टाइम में राइट डिसीजन लिया जाएगा, राइट टाइम। लेकिन अगर आपको फैक्टर बनना है, इफ यू हैव टू बी अ फैक्टर, अगर आपको फैक्टर बनना है, अगर आपको अपने बच्चे के बारे में परवाह करना है, तो सबसे पहले थमसा रखो। आज ये फाइट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये फाइट इकोनॉमिक भी है, पैसे के लिए भी है। आप पूरा इंडिया में देख लो, पूरा दुनिया में देख लो, कभी अदानी अंबानी फाइट करता है? कभी बिरला टाटा फाइट करता है? कभी मारवाड़ी गुजराती फाइट करता है? नहीं। फाइट कौन करता है? आदिवासी, जनजाति, गरीब लोग। क्योंकि गरीब को 100 रुपया में देकर आप बांट सकता है, अमीर को आप कभी भी नहीं बांट सकता है। आज अगर आपको गरीब रखा जाएगा तो आपका थम सबको तोड़ा जाएगा। अगर आज आपको गरीब रखा तो 100 रुपए देकर भाई को भाई से लड़ाया जाएगा। अगर Tibrasa को गरीब रखा तो एमएलए एमएलए से फाइट करेगा, लीडर लीडर से फाइट करेगा, भाई भाई से फाइट करेगा। क्योंकि गरीब के पेट में खाना नहीं है, गरीब का बच्चा को शिक्षा नहीं है, तो गरीब रखो, बाद में पैसा देकर Tibrasa को Tibrasa से फाइट कराएगा। कभी जयपरमा जमातिया अभियान के नाम में, कभी आईपीएफ की तीपरा मोठा आईएमपीटी के नाम में, कभी कांग्रेस सीपीएम के नाम में, लेकिन हमेशा जब तक Tibrasa गरीब है, गरीब को बांटना आसान है, क्योंकि उनके पेट में खाना नहीं। तो 100 रुपया दो, फ्लैग उठाओ, टिपरा मोथा आई क्लॉक बोलो, सीपीएम आई क्लॉक बोलो, भारत में
पैसा देकर हम लोगों को बांटा जाता है। आज अगर तीव्र सागर झांसा रहा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग निगोशिएट करके हम लोग प्रेशर डाल के अगर हम लोग तीप्रासा के एरिया में रुपया लगा सकता तो कोई तीप्रासा दूसरा तीप्रासा से फाइट नहीं करेगा। ये प्लानिंग है, ये पॉलिसी है। पिछले 75 साल से बोलने के लिए जगदीश बाबू का सबसे बड़ा दुश्मन राजेश्वर है। पूर्णचंद्र जमतिया जमतिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक रिया है। कहीं में आप त्रिपुरा है आपका दुश्मन टाइपिंग है देव वर्मा है। आप क्रिश्चियन है ये हिंदू है ये मुसलमान है ये बोलकर हमको फाइटिंग किया जाता है। लेकिन अगरतला में देखो अगरतला में रात में सीपीएम का लीडर कांग्रेस का लीडर और जो सरकार में है वो भी सब बैठ के अड्डा मारता है। उसको उन लोगों का थानसा होता है और हम लोग गरीब लोगों को जाति के नाम में धर्म के नाम में और थोड़ा सा पैसा देकर हमको एक दूसरे से फाइटिंग किया जाता है। इसके लिए जो भी पैसा आता है वो अगरतला जाता है, जो भी पैसा आता है वो उदयपुर जाता है, जो भी पैसा आता है वो धर्मनगर आता है। और गरीब एरिया में आपको 100 रुपए दिया आपको थोड़ा सा रेगा दिया और हम लोग खुश। सबको लगता है सपना एमएलए है क्या क्या सपना है लेकिन पैसा तो अगरतला में पहले आता है। जगदीश बाबू जब दिल्ली रुपया भेजता है सबसे पहले रुपया कहां आता है अगरतला। और अगरतला से अगरतला में पैसा आता है अगरतला से गांव में जाता है नहीं। तो ये पॉलिसी है दिस इज अ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। देर इज नो पार्टी देर इज रिच पीपल एंड देर आर पुअर पीपल। देर इज नो पार्टी देर इज तीप्रासा हु आर बीइंग डिप्राइव्ड एंड देन देर आर लीडर्स दे मे बी इन सीपीएम कांग्रेस बीजेपी दे आर सिटिंग इन अगरतला एंड दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस खुद का बिजनेस। इसको अगर तोड़ना है इसको अगर तोड़ना है तो एक रहो क्योंकि आपका वोट भी एक है और जिसके पास करोड़ रुपया है उसके पास भी एक वोट है कि नहीं है कि नहीं। आपके पास भी एक वोट है और जिसके पास 5 करोड़ है उसके पास भी एक वोट है लेकिन आपका वोट को बांटा जाता है। ठीक बोल रहा हूं आपका वोट को बांटा जाता है धर्म के नाम में जनता अजय वर्मा कहते हैं मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन आपका वोट को बांटा जाता है उनका वोट बढ़ता नहीं है। इसके लिए पैसा उनके पास रहता है हमको भीख मांगना पड़ता है। इसके लिए मैं बोलता हूं पार्टी को से पहले अपना कम्युनिटी का इंटरेस्ट देखो अपना बच्चे का भविष्य को देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं मैं रोज बोलता हूं अपने लीडर को आईपीएफटी से फाइट मत करो विकास के परमा से फाइट मत करो जितेंद्र चौधरी से फाइट मत करो फाइट उनसे करो जिसने हम सबको गरीब रखा है हम सबका अधिकार लिया और हम लोग सब जानते हैं वो सब लोग कहां बैठे हैं।